हेलो गाइस, आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे नेटफ्लिक्स की रिसेंटली रिलीज मूवी चमन बहार। तो भैया ये कहानी है छोटे से गांव की। वैसे तो वो गांव ही है, लेकिन पता नहीं हर कैरेक्टर 10 मिनट में आके कहता है कि भाई ये शहर है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये कहानी है एक छोटे से शहर की, और इस छोटे से शहर में रहता है हमारे कहानी का हीरो, जिससे आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़का अपनी जॉब से परेशान है, हम भी हैं। वो लड़का अपनी पहचान बनाना चाहता है, हम भी बनाना चाहते हैं। और वो लड़का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भाई हम लगाना चाहते हैं चिप्स का ठेला, और लड़का लगाना चाहता है पान का खोका, जो कि वो लगा भी लेता है। तो भाई डेडिकेशन लेवल तो लड़के की 100% है। और उसी पान के खोके के सामने एक घर है जहां पे एक फैमिली शिफ्ट होती है। अब उस फैमिली के अंदर एक कोई मस्त पप्पू किस्म की बच्ची है, जो उस छोटे से शहर के अंदर टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के घूम रही है। बस ये पता लगना होता ही है कि भाई शहर के सारे लौंडे जो है वो टिड्डी दल की तरह खोके पे आ जाते हैं और लड़की ताड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको पता भी है कि लड़की औकात से कई बार है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ कि चलो देख तो लेंगे। बस इसे कहते हैं भाई पूंडी विद रियलिटी चेक। तो भाई यही नट शेल के अंदर कहानी का प्लॉट भी है और प्रेमिस भी। कहानी के जो डायरेक्टर है वो है अपूर्व धार। अब अपूर्व धार का जो काम है वो इट इज नॉट वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि फिल्म का प्लॉट और स्टोरी वाइज बहुत लिमिटेड सा है, और इसी लिमिटेड प्लॉट और स्टोरी लाइन को जो है वो 2 घंटे तक खींचा गया है। हाँ, अगर ये फिल्म 1.5 घंटे तक की होती तो शायद एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव से थोड़ी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि फिल्म के अंदर LOL मोमेंट्स तो हैं, लेकिन ROFL मोमेंट्स बिल्कुल नहीं है। फिल्म की हीरोइन है रितिका बदियानी, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 2 घंटे के अंदर कोई भी डायलॉग नहीं है। वह क्या भाई बेहतरीन किस्म का लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया है। कहां है वो औरत मार्च वाली और वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली लड़कियां? फिक्शन में तो उनसे कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन खत्म हो नहीं रहा, रियलिटी में क्या घंटा कुछ होगा। खैर, फिल्म के हीरो है जितेंद्र कुमार। अब जितेंद्र कुमार इज अ वेरी प्रोमिसिंग एक्टर, और ही वॉज वेरी कन्विंसिंग इन द मूवी। लेकिन मसला ये था कि फिल्म बहुत लिमिटेड थी। लेकिन लड़का जो है ये छोटे गांव के छोटे शहर की फिल्मों में तो अब चीता ही हो गया। इसने इतनी फिल्में कर ली ये वाली कि अब वो लड़का यूं करता है ये फिल्में तो भाई, और यूं इमोशन पकड़ता है। हाँ, अगर आपको जितेंद्र कुमार की कोई बेहतरीन सीरीज देखनी है रिसेंटली रिलीज, तो आई वुड रिकमेंड पंचायत, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आप रिव्यू फिलहाल पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाय।